पंचायती चुनाव का समापन हो चुका है और रिजल्ट हर जगह घोषित हो चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी लखनऊ से सटे मलियाबाद में और मुजासा गांव के नव निर्वाचित प्रधान जुबैर अहमद जी हमारे साथ मौजूद है। किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में उतरे थे और आगे वो कैसे काम करवाएंगे, क्या कहना चाहते हैं, सब चीज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आइए जुबैर अहमद जी से बात करें। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप चुनाव जीते हैं, आपकी जनता ने आपको जिताया है, कैसे उनको धन्यवाद कहना चाहेंगे कि चैनल के माध्यम से? अरे बहुत ही जो है पब्लिक का जो हम धन्यवाद करते हैं देते हैं और भाई कुछ समझ के जिताया उन्होंने कि जो है भाई गांव के अंदर विकास करेंगे, स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाएंगे और बाकी जितना भी जो भी काम हमसे हो सकेगा गाँव वासियों के लिए अपने करेंगे। जैसे कि बहुत सी प्राथमिकताएं होती हैं हर प्रधान की, आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? यही है कि भाई गांव के अंदर जो है एजुकेशन पढ़ाई लिखाई हो और बाकी जो है कोई परेशान ना हो और जो है जो हमसे हो सकेगा जो हमारे लायक होगा वो हम करेंगे। मुजासा गांव एक प्रसिद्ध गांव है जी, इसकी क्या प्रसिद्धियाँ कुछ बताएं? नर्सरी का काम है, आम पेड़ पौधे का, अमरूद का, आम का, जितने भी पेड़ पौधे का काम होता है यहाँ नर्सरी होती है। सब टोटल जितने पूरे गांव में सब कोई नर्सरी का काम है, पेड़ पौधे का काम है और आम ज़्यादातर आम तो आप जानते ही हैं बलियाबाद का थोड़ा मशहूर है, आम का कारोबार है यहाँ। लगभग कितने वोटों से आप जीते थे? 247 वोट से जीते। जनता ने आपका इतना भरोसा जताया 247 वोट से जीते थे आप, हालांकि ज्यादातर हमने देखा है कि 100-150 ऐसी वोट से जीते हैं, आप इतने वोट से क्या कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? गरीब जनता हमारे साथ में थी और हिंदू मुसलमान सब हमारे साथ में थे, लगभग आधी ज्यादा हिंदू भाई की मिली है और मुस्लिम की भी मिली है, लेकिन हिंदू भाई ने हमें बहुत ही जो है समझ लो अगर कोई अब इतनी पब्लिक मानती है हमको कि जब भी उन्होंने जिताया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपने ये सिद्ध कर दिया है कि आप हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ कर बिल्कुल, क्योंकि आप हाफिज जी भी हैं जिसके बावजूद भी आपको हिंदू लोगों ने वोट दिया। 4 मुस्लिम खड़े थे और 1 हिंदू भाई खड़े थे, उसमें 900 वोट करीब थी हिंदू भाई की और 1200-1300 मुस्लिम की थी और आधी हमको मिली हो। हम हिंदू मुस्लिम सब एक जो है जैसा देखते हैं सबको, और मतलब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को बिल्कुल कुछ नहीं, जनता ने नकार दिया है और मुद्दों को लेकर चुनाव। हाँ जी जी ठीक, धन्यवाद। तो ये है हमारे साथ जुबैर हाफिज जी भी कह सकते हैं आप इन्हें। आपको बता दें कि यहाँ मुजासा गांव है, 900 हिंदू जाति के लोग रहते हैं और 1200 मुस्लिम, 4 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े थे, उसके बावजूद भी हिंदू मुस्लिम की एकता को देखते हुए यहाँ पर इनको चुनाव जिताया गया है। आपको बता दें कि जैसे देश भर में हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाती है उसको नकार दिया है मुजासा के लोगों ने और यहाँ पर सब लोग ने मिलकर एक प्रधान, सही प्रधान को चुना है जो वाकई में गांव का विकास कर सके। स्टेट न्यूज़ टाइम के लिए मैं फाजिल खान, लखनऊ।